दोस्तों ये है न्यू मारुति सुजुकी इको। ये मारुति इको का 5 सीटर एसटीडी यानी कि बेस वेरिएंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस करवाते हैं और इसकी ऑन रोड प्राइस क्या होगी, सब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको 16.11 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है पेट्रोल में, और इसमें जो इंजन दिया गया है वो 1196 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आता है, जिसमें कि 72.42 bhp की पावर और 98 Nm का टॉर्क जनरेट होता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं 2021 में, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी की न्यू प्राइस इस समय क्या चल रही है, और अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंस में लेते हैं तो इसमें आपको कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और आपकी मंथली किस्त कितने रुपए की बनेगी, सब इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के न्यू प्राइस की। तो इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है 4,30,000 रुपये, जिसमें आपका RTO चार्ज इसी एक शोरूम प्राइस में जुड़ेगा 47,050 रुपये। वहीं अगर आप इस गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका जुड़ेगा 25,835 रुपये। और दोस्तों इसमें आपको अदर चार्जेस लग जाएंगे, जैसे कि फास्टैग का हो गया और छोटे मोटे चार्जेस जो लगते हैं वो 600 रुपये इसमें आपका जुड़ेगा एक शोरूम प्राइस में। यानी कि सभी टैक्स और चार्जेस जोड़ने के बाद इस गाड़ी की टोटल ऑन रोड प्राइस निकल कर आती है 5,03,485 रुपये। और ये प्राइस दोस्तों बिहार के पटना सिटी की है, और अगर आप इस गाड़ी को किसी अदर सिटी से खरीदेंगे तो इस गाड़ी की प्राइस थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी में रहते हैं। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंस में खरीदते हैं तो इसमें आपको कम से कम कितना डाउन पेमेंट करने पर आपकी मंथली किस्त कितने रुपए की बनेगी। तो चलिए इसमें मैं आपको 3 फाइनेंस प्लान बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके 7 साल वाले फाइनेंस प्लान के बारे में। यानी कि अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस केवल 84 महीनों के लिए करवाते हैं, तो इसमें अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट 1,00,000 रुपये तक का करते हैं तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 10.5% लगाने पर आपका टोटल लोन अमाउंट 4,03,000 रुपये का बनेगा, और इसमें आपकी मंथली किस्त बनेगी 6,802 रुपये की, और इसमें आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 5,71,000 रुपये। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस गाड़ी के 6 साल यानी कि 72 महीनों का अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस करवाते हैं, तो इसमें भी अगर आप यही सेम डाउन पेमेंट 1,00,000 रुपये तक का करेंगे तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 10.5% लगाने पर आपका टोटल लोन अमाउंट जो बचेगा वो 4,03,000 रुपये का बचेगा, और इसमें आपकी हर महीने की किस्त 72 महीनों तक आपको देनी होगी 7,576 रुपये, और इसमें आपको टोटल अमाउंट जो होगा ब्याज और सब जोड़कर वो देना होगा आपको 5,45,000 रुपये। अब दोस्तों हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि अगर आप इस गाड़ी को केवल 5 सालों में ही फाइनेंस करवाते हैं यानी कि 60 महीनों का, तो उसमें भी अगर आप यही सेम डाउन पेमेंट करेंगे 1,00,000 रुपये का, तो इसमें भी आपका इंटरेस्ट रेट वही 10.5% लगाने पर आपका टोटल लोन अमाउंट 4,03,000 रुपये का मतलब बचेगा। ये 4,03,000 रुपये आपका बचेगा डाउन पेमेंट को छोड़कर, और इसमें आपकी मंथली किस्त बनेगी 8,672 रुपये की हर महीने की 60 महीनों तक के लिए, और इसमें आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 5,20,000 रुपये। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।